करीब 3 महीने पहले की बात है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पलट गई थी। टाइगर जिंदा है। वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। और अब ऐसे ही कुछ हालात राजस्थान में बन रहे हैं जहां सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने का मन बना लिया है। पार्टी बदल लिया साला, ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा। मैं दिमाग खपा रहा हूं। ऐसा होते ही सोशल मीडिया में भी कई मीम्स बनने लगे और वायरल भी होने लगे। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। इसीलिए इस वीडियो में कांग्रेस में आई सबसे नई परेशानी के बारे में बात करेंगे और कुछ सवालों के बारे में जो कांग्रेस पर उठने लगे हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। सचिन पायलट को राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद और स्टेट पार्टी चीफ के पद से निकाल दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट में इसका जवाब दिया। उन्होंने ये लिखा कि सच को परेशान किया जा सकता है मगर पराजित नहीं। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्विटर के बायो से कांग्रेस का रेफरेंस भी हटा लिया। इसके अलावा उनके 2 करीबी मंत्री को भी मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है, उनके साथ 2 और मंत्रियों को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा। तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की आगे की यात्रा बिना पायलट के हो सकती है। शुरू से बात करते हैं, जब 2018 में राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार आई तब मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए 2 बड़े नाम सामने आए थे जो कि थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट। उस दौरान भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद था, मगर कांग्रेस ने किसी तरह इस मतभेद को सुलझा कर सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद देकर शांत करने की कोशिश की। मगर ये समझौता ज्यादा दिन नहीं चला और आज 2020 में आखिरकार दरार पड़ ही गई। रिपोर्ट्स की माने तो कई ऐसे बड़े मुख्य काम और मीटिंग्स थी जिससे सचिन पायलट को दूर रखा जाने लगा था। उनका ये मानना था कि किसी तरह उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन किया जाने लगा है। इस लड़ाई ने बड़ा रूप तब ले लिया जब हाल ही में राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में ये आरोप लगने लगे कि बीजेपी के कुछ विधायक दूसरी तरफ जा रहे हैं और कांग्रेस के ही नेता बीजेपी की मदद करने लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इन आरोपों के बाद से ही अशोक गहलोत का ग्रुप सचिन पायलट को शक की निगाहों से देखने लगा था। इन सभी को सचिन पायलट राजस्थान के ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में नजर आने लगे। तो मचाने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने। और इसी वजह से सचिन पायलट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का नोटिस भेजा गया और उनसे बयान मांगे जाने लगे। और अंततः सचिन पायलट ने निराश होकर ये फैसला ले लिया कि वे कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे और अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सचिन पायलट ने इसे एक आत्मसम्मान की लड़ाई के रूप में ले लिया है, जहां एक तरफ सचिन पायलट थे जिन्होंने 30 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत ने पूर्ण बहुमत का दावा किया और आखिरकार सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। उनके साथ साथ उनके 2 करीबी मंत्रियों को भी निकाल दिया गया। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट का प्लेन क्रैश होता है या फिर सेफली लैंड हो पाता है। क्या वे अच्छे पायलट साबित हो पाएंगे या फिर डकटेल्स के लॉन्च पैड की तरह उनका प्लेन क्रैश कर जाएगा। मैं तो आपका पायलट हूँ। सचिन पायलट का कांग्रेस से जाना राजस्थान की कांग्रेस सरकार को एक बहुत बड़ा घाटा साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक का कांग्रेस की जीत में अहम योगदान रहा है और सचिन पायलट वो एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से गुर्जरों ने कांग्रेस का साथ दिया था। जाते जाते आपको 3 बड़े उदाहरण बताते हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर खुद को एक बड़ा नेता साबित किया है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1999 में कांग्रेस को छोड़ा था और खुद की एक पार्टी बनाई थी, तृणमूल कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस पार्टी में सालों बिताने के बाद भी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया था। आज वे वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और कांग्रेस उस राज्य में काफी कमजोर है। दूसरा बड़ा नाम है शरद पवार, जिन्होंने 1999 में कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी क्योंकि सोनिया गांधी को कांग्रेस का चीफ बना दिया गया था। इसके बाद उन्होंने खुद की एक पार्टी बना ली और आज अगर महाविकास अघाड़ी संगठन में सबसे ज्यादा किसी की चलती है तो वो है शरद पवार। 2011 की बात है जब जगन मोहन रेड्डी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा था और 2019 के पोल्स में 151 सीट्स में जीत पाकर मेजॉरिटी प्राप्त की थी और आज आंध्र प्रदेश में उनका राज है और कांग्रेस की हालत काफी कमजोर है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पे एक और सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर्स का एक छत्र राज चल रहा है। पिछले कुछ ही महीनों में बड़े नेता जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा और सचिन पायलट की बगावत देखकर ऐसा ही नजारा नजर आता है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। ए दादागिरी मत कर, मैं मोदी को चिट्ठी लिखता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।